कहा कि जहाँ तक तलक है इंडिया ब्लॉक का, इंडिया ब्लॉक जो है पूरे देश में एक अलायंस बना है जो तमाम अपोजिशन पार्टियां इकट्ठी हुई हैं, और अलायंस की जो सोच थी वो ये है कि बीजेपी ने पिछली दफ़ा 37% वोट लिए और 63% वोट जो थे वो अपोजिशन के थे। आज 63% वोट इकट्ठे होंगे और परमात्मा ने चाहा तो इंडिया ब्लॉक जीतेगा। और हमारी नेशनल कॉन्फ्रेंस की कोशिश है कि जम्मू में, खासकर जम्मू सूबा में, 2 सीटें कांग्रेस के खाते में पड़ी हैं, हम उसकी मदद करें, उनको सपोर्ट करें। रमन बल्ला हैं, लाल सिंह जी हैं, इनकी सपोर्ट करें, इनको कामयाब करें। इनकी कामयाबी से इंडिया ब्लॉक जीतेगा, क्योंकि आज पार्लियामेंट की इलेक्शन है। कल असम्बली इलेक्शन में जो भी होगा वो बाद में फैसला होगा, आज पार्लियामेंट का मसला है। पार्लियामेंट में हमने तमाम अपने जो कारकुन हैं, तमाम अपने जो डेलीगेट साहबान हैं, अहदेदार साहबान हैं, उनको हमने हदायत दी है। फारूक अब्दुल्ला साहब पिछले दिनों 4 दिन इधर थे, उन्होंने बाकायदा सबसे डिस्कस किया, सबसे मीटिंग की, कांग्रेस के बड़े नेताओं से भी मीटिंग की, और हमने ये फैसला किया कि हमने इंडिया ब्लॉक के जो 2 कैंडिडेट हैं इनको मजबूत करना है। हमारे वर्कर लगे हैं। जहाँ तक नेशनल कॉन्फ्रेंस का तल्लक है, नेशनल कॉन्फ्रेंस एक जम्मू कश्मीर की ग्रैंड ओल्ड पार्टी है, और नेशनल कॉन्फ्रेंस की एक माजी रही है, हिस्ट्री रही है नेशनल कॉन्फ्रेंस। आज अगर आप जब कहते हैं जम्मू कश्मीर हिंदुस्तान का टूट हिस्सा है, तो इसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस का भी अहम रोल है, क्योंकि उस वक्त महाराजा साहब ने जो इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन किया, तो उसके बाद ये आ गया कि 2 नेशन थ्योरी बन गई कि जो हिंदू भाई हैं वो जाएंगे हिंदुस्तान में, मुस्लिम भाई पाकिस्तान में। मगर नेशनल कॉन्फ्रेंस की उस वक्त की क़यादत ने, शेर कश्मीर ने, 2 नेशन थ्योरी को रिजेक्ट किया और उन्होंने कहा नहीं, हम महात्मा गांधी और जवाहरलाल नेहरू के हिंदुस्तान के साथ जाएंगे। उन्होंने अपना जो अहलाक था उसको सही मायने में ट्रांसलेट किया, लोगों का रुख उधर किया, जो लोगों का रुख उधर था लोगों का रुख इधर किया। और आज हम बड़े शान से कहते हैं जम्मू कश्मीर हिंदुस्तान का टूट हिस्सा है, हमारा ताज है, तो वो ताज जो है बनाने में नेशनल कॉन्फ्रेंस का भी अहम रोल है। और यहाँ तक तल्लक है बदकिस्मती जम्मू कश्मीर की कि बीजेपी ने जम्मू के ताज के 2 टोटे कर दिए, 2 UT बना दी, स्टेट का दर्जा कम कर दिया। हम कभी कभी अपने आप में सोचते हैं कि किसी को क्या कहे, कोई कहते हैं आप कौन सी रियासत से हैं, तो हमको आज शर्म आती है, क्योंकि हम तो इतनी बड़ी रियासत के बशिंदे थे, इसके उन्होंने 2 टोटे कर दिए। और ये रोज़ कहते हैं जी हम इसको स्टेट वापस देंगे, मगर स्टेट वापस देने की हिम्मत नहीं पड़ रही है। आज बीजेपी के पास कैंडिडेट नहीं है खड़े करने के लिए। आपके अनंतनाग और जो रजौरी पुंछ का इलेक्शन है उसके लिए इनके पास कैंडिडेट नहीं है। और मैंने आपको कहा, मैं ये भी सुन रहा हूँ, अब पता नहीं मैं गलत भी हो सकता हूँ, कि ये रजौरी पुंछ की डेट आगे कराने के पीछे लगे हैं कि हमारे पास कैंडिडेट कोई नहीं है। तो ऐसे लग रहा है कि शायद बीजेपी ने अपनी जो हार है वो जम्मू कश्मीर में पहले ही एक्सेप्ट कर ली है। सर, फ्रेंच मीडिया की एक रिपोर्ट है जो कहती है कि इंडिया सिर्फ 1 कदम की दूरी पर रह गया ऑटोक्रेसी से, आप इस बात से सहमति रखते हैं? किससे 1 कदम दूरी पर रह गया? डिक्टेटरशिप एंड ऑटोक्रेसी। इंडिया रह गया, इंडिया ब्लॉक नहीं रह गया, भारत रह गया। इसीलिए तो हम खड़े हुए हैं, इसीलिए तो इंडिया ब्लॉक बना है कि हम डेमोक्रेसी को मजबूत करना चाहते हैं, हम सेकुलरिज्म को मजबूत करना चाहते हैं, हम सोशलिज्म को मजबूत करना चाहते हैं, हम डिक्टेटरशिप की तरफ नहीं जाना चाहते। क्योंकि हमने हमेशा, अगर जम्मू कश्मीर में खासकर वोट का हक दिलवाया वो नेशनल कॉन्फ्रेंस ने दिलवाया, और जब शेर कश्मीर का उस वक्त नारा था 47 में, सरदारी अवाम का हक है, ये शेख साहब ने उस वक्त नारा दिया था। शेख साहब ने जो नारे दिए आज वो रेलेवेंट होते जा रहे हैं, ज़्यादा रेलेवेंट हैं। अगर उसने उस वक्त कहा शेर कश्मीर का क्या इरशाद, हिंदू मुस्लिम से किताब, तो आज वो नारा कितना रेलेवेंट है। ये जो इंडिया ब्लॉक बना है ये उसकी एक बेस ये भी है। जो आपने कहा कि ये यहाँ डिक्टेटरशिप होने की तरफ जा रहा है, ये बिल्कुल ठीक कहा, हमारी यही एक कंसर्न है,
हमारी एक यही परेशानी है कि हम मुल्क की डेमोक्रेसी को बचाएं। हमारे देश की डेमोक्रेसी का लोया पूरी दुनिया में माना जाता है, वी आर द लार्जेस्ट डेमोक्रेसी ऑफ द वर्ल्ड, और बड़े तरीके से ट्रांसफ़र ऑफ पावर होती है। यहाँ कोई खून खराबे या जदोजहद उस किस्म की नहीं होती, लोग जो फैसला करते हैं वो होता है। प्रभारी के पोस्ट में रहा हूँ और उसके बाद जो मैंने मौजूदा जो पार्टी ज्वाइन करनी थी, मैंने उसके बाद ये अपने जो है सबसे सलाह लेके मैंने नेशनल कॉन्फ्रेंस को किया है। नेशनल कॉन्फ्रेंस हमारे जम्मू कश्मीर रियासत की बहुत पुरानी पार्टी है और सबसे बड़ी पार्टी है। तो जब मुझे ये मौका दिया गया यहाँ से नेशनल कॉन्फ्रेंस से में आने के लिए, तो मैं उसको उसको जो है वहाँ रेजिग्नेशन देके आज मैंने यहाँ पे ज्वाइन किया। सिर्फ बड़ी पार्टी है इसीलिए ज्वाइन किया है? ज़रूर है। मुद्दे ये हैं कि यहाँ पे जो है आज 10 साल से आप देखिए डेली वेजर हैं, वो अन्य उनको जो है पक्का करने का वादा किया गया था, आज वो लोग सारे रोड पर हैं। उसके बाद बाकी भी जो हमारे यहाँ का जम्मू कश्मीर का नौजवान है आज वो परेशान है, उसको नौकरियों का वादा किया गया था, उसे उन लोगों को नौकरियां नहीं मिली है। तो हम चाहते हैं कि हमारे जैसे नए नौजवान आके इस सरकार में जो है अपने हिसाब से अपना जो है आगे इसकी प्रगति करें।